आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसी सरकार का कार्यकाल इस देश में चल रहा है जिसके अधीन आर्थिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि जहाज में डलने वाला फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सस्ता है और डीजल और पेट्रोल जो आपकी और हमारी गाड़ी, स्कूटर, बाइक में डलता है वो महंगा है। एविएशन फ्यूल इज चीपर देन दी पर लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। दिस इज अ रियलिटी। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पेट्रोल की कॉस्ट दिल्ली में 69.87 है पर लीटर, डीजल की कॉस्ट दिल्ली में 62.5 रुपीज पर लीटर है और एविएशन फ्यूल की कॉस्ट दिल्ली में 56.86 है। यानी कि पेट्रोल लगभग 70 रुपए पे, डीजल 62 रुपए के आसपास और एविएशन फ्यूल यानी कि जहाज में, एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है जिससे जहाज उड़ता है उसकी कॉस्ट 56 रुपए है। आज मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई है जिसमें एविएशन फ्यूल, जहाज उड़ाना सस्ता है और अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर, अपनी बाइक चलाना महंगा हो गया है। अब बताइए ये सरकार अमीर के लिए काम करती है कि गरीब के लिए काम करती है? भाजपा सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा जनविरोधी कदम उठाया है। कच्चे तेल का दाम दुनिया में 29 साल में सबसे कम पर गिर गया है और उसके बावजूद भाजपा की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई है। 1 या 2 रुपए नहीं, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। ये दिमागी दिवालियापन के साथ साथ अनैतिक भी है, क्योंकि जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो पैसा वसूल किया जाता है, ऐठा जाता है आम आदमी से, लेकिन जब वो दाम घटता है तो आम आदमी की ये आशा होती है, ये विश्वास होता है कि कुछ राहत मिलेगी, पर राहत नहीं मिली है। ये अनैतिक इसलिए भी है क्योंकि 2013 सितंबर में कच्चे तेल का दाम लगभग 7,000 रुपए पर बैरल था और तब पेट्रोल का दाम 73-74 रुपए प्रति लीटर होता था। आज 3 गुना कीमत गिर चुकी है। कच्चे तेल का दाम करीब 2,500 रुपए पर बैरल है और पेट्रोल की कीमत लगभग 72-73 रुपए है। तो किस तरह से इसको स्वीकारा जाए, किस तरह से इसका विरोध ना हो, क्योंकि यह सरकार की अनैतिकता, उनके घमंड के साथ साथ उनके दिमागी दिवालियापन, उनकी असंवेदनशीलता और उदासीनता का भी सबसे बड़ा परिचायक है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।